गुरूर, काहे का गुरूर? तकब्बुर, किस बात का तकब्बुर? इस बात का तकब्बुर। अब देखिए ये अमली बातें हैं, ये भी कहना चाहिए, याद रखिए। एक चीज का और जिक्र कर दूं, बात जिंदगी की है। एक तकब्बुर पैदा ना होने दीजिएगा और दूसरे हसद ना कीजिएगा किसी से। क्या कहें, मासूमीन के इरशादात में से एक इरशाद का खुलासा यह है, अरबी में ये जुमला नकल किया गया है, फरमाया है कुन महसूदन वला तकुन हासिदा। देखो तुम ऐसे बनो कि दूसरे तुम्हारा हसद करें, तुम किसी का हसद ना करो। मासूम ने यह सबक दिया है। अब इससे ज्यादा शौक दिलाने वाली कौन सी बात है? तुम ऐसे बनो कि दूसरे तुम्हारा हसद करें और तुम किसी का हसद ना करो। ये दोनों चीजें इंसान को तबाह कर देती हैं, गुरूर भी और हसद भी। हसद हसद इंसान की नेकियों को, इंसान के अमले सालेह को भी इस तरह खा जाता है, जला के राख कर देता है कि इंसान के नाम आमाल में कोई नेकी बाकी नहीं रह जाती। हसद इस पूरे अशरे में मंतिक फलसफा वगैरह तो मैंने बच बच के पढ़ा ही नहीं, डर डर के, लेकिन जो कुछ भी पढ़ा कर कुछ याद ना रह जाए, ये दो जुमले याद रह जाएं और इस पर आप अमल करें। तकब्बुर ना कीजिएगा, हसद ना कीजिएगा। तकब्बुर कीजिएगा तो इबलीस बन जाइएगा, हसद कीजिएगा तो शैतान बन जाइएगा। क्योंकि हजरत आदम से शैतान का क्या रिश्ता था? तकब्बुर और हसद, ये दो चीजें थी बुनियादी तौर पर। शैतान ने तकब्बुर किया और आदम से हसद किया। तो अगर आदम बने रहना है, अगर इब्ने आदम बन के रहना है, अगर आदमी बन के रहना है, अगर इंसान बन के रहना है, अगर इंसानी शराफत और करामत और एहसास के साथ जीना है, तो कुछ कर लीजिएगा। ये दो बीमारियां पैदा ना होने दीजिएगा, तकब्बुर और हसद।